हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बिकम ब्लॉगर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपने ब्लॉगर ब्लॉग को किस तरह से गूगल एनालिटिक्स के साथ लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, तो वीडियो में पूरी तरह से प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को कई बार जब आप ब्लॉग सेटअप करते हैं तो पता नहीं होता है कि क्या क्या चीज़ें करना है, तो मैं आपको बता दूँ कि गूगल एनालिटिक्स एक टूल है गूगल का है, जिसके माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि आपका जो ब्लॉग है उसको कितने रीडर्स पर डे आ रहे हैं, कितने लोग आपके ब्लॉग के किस पोस्ट को पढ़ रहे हैं। आपको पूरी तरह से वहाँ पे डिटेलिंग मिलती है कि आखिर किस रीज़न से कोई आपके ब्लॉग को पढ़ रहा है, कितने लोग करेंटली राइट नाउ लाइव आपके ब्लॉग को देख रहे हैं, या फिर आपकी वेबसाइट पर कितने विजिटर कहाँ से आ रहे हैं, किस देश से आ रहे हैं, गूगल सर्च से आ रहे हैं, या फिर कोई वेबसाइट को रेफ़र करके आ रहे हैं, सोशल मीडिया से आ रहे हैं। तो पूरी चीज़ की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके ब्लॉग के ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप यह अपने आप को यह डिसाइड कर पाते हैं आपको किस तरह की पोस्ट डालनी है, आपके लिए जो ऑडियंस है, आपका जो ऑडियंस ग्रो हो रहा है, आपके लिए जो बेस बन रहा है ऑडियंस का, उसके लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा, यह आप अपने एनालिटिक्स टूल को देख कर डिसाइड करते हैं। साथ ही आप अपनी जो ग्रोथ है उसको ट्रैक के लिए एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको पता चलता है कि कल हमारे साइट पर कितने लोगों ने कुछ पढ़ने आया, आज कितने लोग आए, फिर कल कितने आने चाहिए, पिछले मंथ हमारे कितने व्यू हुए थे। तो ये सभी चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, प्रैक्टिकली देखते हैं कि आपको अपने ब्लॉगर के इस ब्लॉग को किस तरह से गूगल एनालिटिक्स के साथ लिंक करना है। दोस्तों, तो आइए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से हम अपने ब्लॉगर के अकाउंट पे गूगल एनालिटिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें गूगल में जाके गूगल एनालिटिक्स सर्च करना होगा। गूगल एनालिटिक्स तो हमें पहला ही रिजल्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट का मिलता है गूगल एनालिटिक्स, तो हमको इस पर क्लिक करना है और फिर हमें आगे की जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करते जाना है और हमारा जो है ब्लॉग गूगल एनालिटिक्स के साथ सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि हमसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिया जाता है गूगल एनालिटिक्स को क्रिएट करने के लिए। तो ये अभी लोड हो रहा है। तो सबसे पहले आपको यह लैंडिंग पेज दिखेगा, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कितने प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है आपको साइनअप करना है, दूसरा प्रोसेस है आपको एक ट्रैकिंग कोड मिलेगा जिसको अपने ब्लॉग पे जाके पेस्ट करना है, और उसके बाद आप अपने वेबसाइट को ट्रैक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम साइनअप बटन पे प्रेस करते हैं। अगर आपका ब्लॉगर गूगल एनालिटिक्स पे पहले से अकाउंट नहीं है, फिर आपको यह साइनअप बटन दिखेगा। अगर आपके पहले से ऑलरेडी कुछ अकाउंट्स है तो फिर आपको दूसरा पैटर्न मिलता है, वहाँ से भी आप बड़े आसानी से एडमिन सेक्शन में जाके ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हमसे अपना अकाउंट नेम पूछा जा रहा है, तो हम ऐसे ही बिकम ब्लॉगर डाल देते हैं, फिर वेबसाइट नेम वो भी बिकम ब्लॉगर, फिर हमसे पूछा जा रहा है वेबसाइट URL, तो हम अपना URL यहाँ पे डालेंगे। अब HTTPS तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम HTTP को HTTPS ऐड कर देते हैं। तो हमसे इंडस्ट्री पूछी जा रही है, तो अगर टेक करके कोई इंडस्ट्री है तो हम उसको चूज कर लेते हैं, या फिर अदर हम चूज कर लेते हैं सिंपली, जो सबसे बेस्ट रहता है। टाइम जोन अपना इंडिया है, और फिर गेट ट्रैकिंग ID, डन। हमको कुछ प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने हैं, उसके बाद हम हो जाएंगे रेडी। चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर हमारे सामने सक्सेसफुली एक गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग कोड दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं हमको इसको नो थैंक्स करना है, क्योंकि अभी हम लैपटॉप पे है तो मोबाइल फ़ोन पे कहाँ से ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हमारे सामने यह जो है ट्रैकिंग इन्फो करके हमारे सामने जो पेज खुला है, वहाँ पे हमें कुछ डिजिट का ट्रैकिंग कोड दिया जा रहा है जिसे हम अपने साइट पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा अकाउंट ब्लॉगर पे है तो सिंपली इसी को पेस्ट करना है, अगर दूसरे कस्टम मेड है या फिर वर्डप्रेस पे है तो हमको पूरा कोड करना पड़ता है। तो चलिए हम किसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ब्लॉगर के सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पे हमको जाना है सेटिंग के बाद अदर सेटिंग में। अदर सेटिंग में नीचे हमको गूगल एनालिटिक्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एनालिटिक्स वेब प्रॉपर्टी ID हमको डालनी है, तो हमारा ID यही है, इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम फिर से जाएंगे एनालिटिक्स में, उसके बाद हम यहाँ पे होम बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों, होम बटन पे क्लिक करने के बाद आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका जो है यह फुल्ली वर्किंग मोड में आ चुका है। अभी हमारे साइट पे कोई विजिटर नहीं है, तो इसलिए 00 सबको 00 दिख रहा है। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप यह पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे कि आपको अपने ब्लॉग को किस तरह से गूगल एनालिटिक्स के साथ लिंक करना है।
किस तरह से ट्रैकिंग आईडी को आपको अपने ब्लॉग में पेस्ट करना होता है और किस तरह से वहाँ पे सारी कुछ काम करती है। दोस्तों एक और इसका पार्ट टू आएगा, जब हम अपने ब्लॉग पे ही ज़्यादा कुछ पोस्ट डालने लगेंगे, हमारे ब्लॉग पे ट्रैफिक आने लगेगा, तो पूरी डिटेल्ड वीडियो एक और इसका पार्ट टू भी आएगा। लेकिन उससे पहले हम अपने ब्लॉग पे और ज़्यादा पोस्ट डालेंगे। हमने एक पोस्ट ऑलरेडी डाल रखा है अपने ब्लॉग पे, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके पढ़िए, अच्छी पोस्ट है और आपको शायद हेल्पफुल करे। और आने वाले वीडियो में हम एक इमेज बनाने वाली वीडियो भी लाने वाले हैं। बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट है या फिर बहुत से लोगों ने सराहा है कि आपके जो ब्लॉग पे इमेज यूज हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, आपने किस तरह से बनाया। तो मैं बता देता हूँ कि मैं उसको 5 से 10 मिनट में बना लेता हूँ। आप अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा लाइक करके मुझे मोटिवेट करें तो मैं जल्द ही उस वीडियो को लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही क्वालिटी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।